अखिलेश यादव भले ही ये कहते हों कि मैनपुरी जीतना डिंपल यादव के लिए बेहद आसान है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। योगी आदित्यनाथ की रणनीति की काट समझ नहीं आ रही है उन्हें, तो फैमिली काट चल दिया है उन्होंने। अब तक अखिलेश यादव की बेटी के प्रचार करने की तस्वीरें सुर्खियों में आई हुई थी, मगर अब डिंपल की आर्मी अफसर नहीं, बहन भी मैनपुरी में वोट मांगने के लिए दिखाई दे रही है। तो क्या वाकई 24 का इलेक्शन जीतना डिंपल के लिए टफ माना जा रहा है? और अगर ऐसा है तो फिर इसकी वजह क्या है? पूरा विश्लेषण आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। तो डिंपल यादव की खातिर पूरी फैमिली हो गई है हाजिर, पति से लेकर चाचे ससुर तक सब सपोर्ट जुटा रहे हैं, मैनपुरी के मैदान में माहौल बना रहे हैं। इफ बट की गुंजाइश ना रहे, इसीलिए देवर और भतीजे भी चुनावी समर में उतार दिए गए हैं। बात इतने पर ही नहीं रुकी, नए नए कैरेक्टर भी माइक थामे दिख रहे हैं। अप्रैल की गर्मी में बेटी भी धूल फाक कर माँ को जिताने में जुटी है। अब एक और नई एंट्री हो चुकी है, जो कि अखिलेश यादव की ससुराल की तरफ से मैनपुरी में पहली चुनावी दस्तक है। ये डिंपल यादव की बहन और अखिलेश यादव की साली पूनम रावत है, जो इन दिनों डिंपल के साथ मैनपुरी में घर घर घूम रही है। इनका वोट मांगना इसीलिए चर्चा में है क्योंकि पूनम रावत का कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है। डिंपल की बहन पूनम रावत 20 साल तक लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर आर्मी में रही, इसके बाद सेना से वीआरएस लिया और फिर उत्तराखंड से मैनपुरी पहुंच गए डिंपल के लिए वोट मांगे। पूनम रावत उम्र में डिंपल यादव से छोटी है, मगर चुनावी मजबूरियां ऐसी कि भाभी कहकर बुला रही है। मुझे मैनपुरी की जनता से बहुत प्रेम मिल रहा है और मैं सब मैनपुरी की जनता से निवेदन करने आई हूं कि जैसे उन्होंने इतने साल से नेताजी को अपना समर्थन दिया है, तो 7 मई को निकलकर साइकिल का बटन दबाकर अपनी प्यारी डिंपल भाभी को विजय बनाएं। डिंपल यादव उत्तराखंड के आर्मी बैकग्राउंड से हैं, वो राजपूत परिवार से आती हैं, लेकिन अखिलेश से शादी के बाद उनके नाम में यादव सरनेम जुड़ गया है। जबकि डिंपल की छोटी बहन आज भी अपनी राजपूत पहचान के साथ रहती है और मैनपुरी में राजपूत वोटर 1.5 लाख के आसपास है, इसलिए माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने ससुराल का समर्थन पाने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया है। वो डिंपल यादव की जीत के लिए हर उस शख्स का समर्थन पाने की जुगत में है जो मुलायम परिवार की विनिंग स्ट्रीक को बरकरार रखे। और इनके लिए एक पर्दा गिर रहा है तो दूसरा फौरन उठ रहा है। अब तक मुलायम परिवार ही चुनावी चौसर में नजर आता था, मगर इस बार मुलायम का समधियाना भी उतर चुका है। डिंपल यादव की उम्मीदवारी के बाद से पति अखिलेश यादव 3 बार मैनपुरी का दौरा कर चुके हैं। चाचा ससुर शिवपाल यादव भी डिंपल यादव के लिए वोट मांग रहे हैं। चाचा रामगोपाल यादव भी मैनपुरी में बैठकर डिंपल के लिए स्ट्रेटजी बना चुके हैं। देवर धर्मेंद्र यादव भी आजमगढ़ से मैनपुरी खासतौर पर डिंपल के लिए पहुंचे। भतीजे तेज प्रताप यादव को मनाने के लिए डिंपल उन्हें मैनपुरी में घुमा रही हैं। बेटी अदिति यादव 1 महीने से चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। अब डिंपल की बहन पूनम रावत भी वोट मांग रही हैं। याद कीजिए 2022 की इन तस्वीरों को। मैनपुरी के लोकसभा चुनाव में डिंपल को जिताने के लिए यादव कुनबा फिर से एकजुट हुआ था। पहले अखिलेश ने चाचा शिवपाल के पैर छुए थे, फिर डिंपल ने, और इसी पारिवारिक एकजुटता ने डिंपल को मैनपुरी में जीत दिला दी थी। लेकिन इस बार डिंपल यादव की राह मैनपुरी में इतनी आसान नहीं है। साल 2022 में यादव फैमिली के मेंबर्स ने मैनपुरी में जमकर पसीना बहाया था, पूरे दिन प्रचार किया था। जबकि 2024 की अगर बात करें तो यादव फैमिली के जो लोग हैं वो मैनपुरी तो पहुंच रहे हैं, लेकिन दूसरी सीटों पर चुनाव प्रचार की वजह से वो एक तरीके से बंद से गए हैं। मैनपुरी में तीसरे चरण में यानी 7 मई को वोटिंग होना है, इसकी वजह से जो डिंपल यादव हैं वो अपनी बहन और बेटी के जरिए इमोशनल कार्ड खेल रही हैं। डिंपल यादव को इस बात की उम्मीद है कि उनका ये प्लान इस बार कामयाब होगा। तभी तो 22 साल की जो अदिति यादव लंदन में बैठकर कुछ वक्त पहले तक किताबों से दोस्ती कर रही थी, उन्हें भी मैनपुरी की गलियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वोट की खातिर चारा काटने वाली मशीन चला रही है, हर किसी के आगे हाथ जोड़े रहती है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला और अपनी बात रखने का मौका मिला, तो इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आने वाली 7 तारीख को समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए, जिससे कि मैनपुरी का ज्यादा से ज्यादा विकास हो पाए।
तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई को होगी, जिसमें यूपी की 10 सीटों के लिए घमासान होगा। इसमें मैनपुरी सीट है, बदायूं और फिरोजाबाद है, संभल, बरेली, आंवला और हाथरस भी तीसरे चरण में है, एटा, फतेहपुर सीकरी और आगरा भी इसी फेज में शामिल है। 2019 के इलेक्शन में इनमें से 8 पर कमल खिला था और 2 सीटों पर साइकिल दौड़ी थी। इस फेज में मुलायम परिवार के 5 मेंबर में से 3 की किस्मत ईवीएम में लॉक हो जाएगी। मैनपुरी से डिंपल यादव हैं, जिनके सामने बीजेपी के जयवीर ठाकुर हैं। फिरोजाबाद से अक्षय यादव मैदान में हैं, जिन्हें विश्वदीप सिंह चुनौती दे रहे हैं। बदायूं से शिवपाल के बेटे आदित्य यादव पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ बीजेपी के दुर्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। पहले तो नहीं स्वीकार किया उन्होंने, लेकिन अब तो स्वीकार कर रहे हैं कि जिस तरीके से टिकट दी गई हैं, वो बीजेपी को पीछे कर रहे हैं। आपने देखा होगा, पहले एक प्रत्याशी को दिया तो उसे लगा कि वह बदायूं के अखाड़े में फिट नहीं होगा, तो उसको मना कर दिया गया। फिर चाचा को दिया तो चाचा पे उम्र का लगता है ज्यादा बोझ आ गया, चाचा ने पलायन का रास्ता अपना लिया। अब भतीजे पर विश्वास करने का प्रयास हुआ है, लेकिन भतीजे के पांव पहले ही उखड़ चुके हैं। मैनपुरी को मुलायम फैमिली का गढ़ कहा जाता है, मगर पिछले कुछ चुनाव से समाजवादी पार्टी को यहां बैक टू बैक झटके लगे हैं। मैनपुरी की 5 विधानसभा सीटों में 2 पर बीजेपी का कब्जा है। मैनपुरी में जिला पंचायत अध्यक्ष पर बीजेपी को जीत मिली थी। इस इलेक्शन में 30 साल बाद समाजवादी पार्टी की हार। मैनपुरी में मेयर भी इस वक्त बीजेपी का ही है। नगर पंचायत में भी 6 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, यानी यादव लैंड की इस सीट पर बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। और यही वो समीकरण है जिसके चलते अखिलेश को फैमिली से लेकर ससुराल तक की मदद लेनी पड़ी। अखिलेश को डर सता रहा है कि अगर मैनपुरी हाथ से गया तो फिर मुश्किलों के भंवर में साइकिल दौड़ नहीं पाएगी। तो मैं समझती हूँ, देश की सरकार जाएगी तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार भी हिल सकती है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि लोकतंत्र की व्यवस्था को कायम करने के लिए इस बार आप वोट करिए और दबाव की नकारात्मक राजनीति का आप सब विरोध करिए। हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतना है। उसमें जो बड़े लक्ष्य हैं, उस बड़े लक्ष्य में अमेठी, रायबरेली, कन्नौज, मैनपुरी, यहाँ पर भी कमल बड़े अंतर से खिले, इस पर भी हमारा फोकस है, हमारी पार्टी का फोकस है, हमारे कार्यकर्ताओं का फोकस है। क्योंकि यह सीटें जिस पर आप सबकी नज़र है, तो यह ध्यान में आ जाए कि ये कांग्रेस और सपा का गढ़ नहीं, ये भाजपा का गढ़ है, ये कमल के फूल का गढ़ है। तो एक तरफ है मुलायम परिवार, दूसरी तरफ है मोदी और योगी, जो दे रहे हैं विकास की धार को रफ्तार। लाल टोपी और भगवे की सियासी लड़ाई का वो ब्यौरा भी जान लीजिए जो बेहद मजेदार है। इसका चुनाव से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, लेकिन डिंपल यादव की तस्वीरों से जरूर जुड़ता है। नॉमिनेशन फॉर्म के साथ जमा किए गए शपथ पत्र के मुताबिक डिंपल यादव 15.5 करोड़ की मालकिन है, जिसमें चल संपत्ति 5 करोड़ 10 लाख की है और अचल संपत्ति 10 करोड़ 40 लाख। डिंपल यादव के पास कैश के नाम पर 5,72,000 रुपए है। डिंपल को हीरे जवाहरात का बहुत शौक है, इसीलिए 2.774 किलोग्राम से ज्यादा इनके पास सोने के गहने हैं। डिंपल के पास 127.75 कैरेट का हीरा है, जो कि 59,76,000 रुपए का है। 203 ग्राम मोती भी है। 1,25,000 रुपए का कंप्यूटर भी डिंपल यादव के पास है। अब ये देखिए कि डिंपल यादव मैनपुरी में छोटी छोटी सभाएं कर रही हैं, तो किस तरह बेहद सिंपल लुक और साधारण साड़ी पहनकर ही वोटरों से संवाद कर रही है। डिंपल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी के जयवीर सिंह 11,93,00,000 की संपत्ति के मालिक हैं। इनमें से 5,12,00,000 चल संपत्ति के तौर पर है और 6,69,00,000 अचल संपत्ति के तौर पर। बीजेपी कैंडिडेट ने अपने बेटों को 3,59,00,000 का कर्ज दिया है। वाहन के नाम पर जयवीर सिंह के पास 16 साल पुराना ट्रैक्टर है और कोई कार भी उनके पास नहीं है। बीजेपी को भरोसा है कि जिस मैनपुरी में मुलायम भरोसे कुनबे की साइकिल चलती थी, अब वो पंचर हो जाएगी और ये काम जयवीर सिंह करेंगे।
मैं आपको बताता हूं, जयवीर सिंह को सांसद आप बना दो, बड़ा आदमी बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। मैं आज अखिलेश जी को पूछने आया हूं, अखिलेश जी और कोई यादव नहीं मिलता, अपने कुनबे में ही मिलता है क्या? ये कैसा आपका यादव प्रेम है भाई, जो कुछ भी है अपने कुनबे में डालो, अरे ये किसी के नहीं है। डिंपल के सामने चैलेंज है मुलायम की विरासत को बचाए रखने का, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए 19 वाली जीत रिपीट करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी के जयवीर सिंह मैनपुरी के ही लोकल कैंडिडेट हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मैनपुरी के लिए खास रणनीति बनाई है। ओबीसी समुदाय से आने वाले राजेश चौधरी को मैनपुरी सीट का प्रभारी बनाया है और बाकी जिम्मेदारी खुद योगी ने संभाल रखी है, जो मैनपुरी में भी रैली कर चुके हैं और अब अखिलेश डिंपल पर खुलकर अटैक कर रहे हैं। एक ही परिवार के सब लोगों को दिया टिकट, किसी और को दिया ही नहीं। अरे और भी तो योग्य लोग थे, उनको भी दिए होते, उनको भी आगे बढ़ाए होते। बहनों और भाइयों, ये लोग परिवारवादी लोग हैं, अपने परिवार के बाहर नहीं सोच सकते, अपने परिवार के बाहर नहीं सोच सकते। परिवारवाद के नाम पर जाति को ही लोग बदनाम करते हैं। योगी आदित्यनाथ का टारगेट फिक्स है, यूपी की 80 सीटों पर जीत, और इसमें मैनपुरी भी आती है, कन्नौज भी आता है, जबकि अखिलेश के सामने चैलेंज है परिवार की सीटों को जिताना और फिर उसके बाद यूपी की दूसरी सीटों पर फोकस करना। फिलहाल अखिलेश अपनी दावेदारी के बाद अपनी ही सीट पर अटक गए, इसलिए डिंपल ने अपने हिसाब से प्लानिंग बनाई है, जिसमें इमोशनल अपील भी है और फैमिली कार्ड भी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।